तो भाई लोग कैसे होते हो यार, स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू पबजी मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। नहीं, ये एक टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो है जो कि मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप सबसे फास्ट लैंडिंग कैसे कर सकते हो। और हाँ गाइस, मैं कॉर्नर पे पहुँच चुका हूँ, तो मेरी कॉर्नर की वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है कि मैं क्या स्ट्रेटजीज यूज़ करता था। तो जब तक चलो ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ, वो वीडियो नेक्स्ट वीडियो वही रहेगी जो शायद 2-3 दिन में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पॉइंट नंबर 1 है वो है, जैसे मैप में जो दिखता है हमें ये वाइट लाइंस जो दिख रही हैं, इनके बीच की डिस्टेंस 1000 मीटर्स की हैं। जो येलो लाइंस हैं उनके बीच की डिस्टेंस 1000 मीटर्स की हैं, और जो उनके अंदर जो वाइट लाइंस दिख रही हैं छोटी छोटी, उनके बीच की डिस्टेंस 100 मीटर्स की हैं। तो मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर जंप करो तो आप ऊपर से ही कैलकुलेट करके बता सकते हो कि कितने मीटर्स की ये डिस्टेंस है। तो हमारा जो पॉइंट नंबर 2 है वो ये है कि जब आप जंप करो तो आप जिधर की तरफ आपको जंप करना है आप उधर ही की तरफ अपना प्लेयर का मूव कर लो। तो जब आप उधर जंप करोगे तो आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा और आप सबसे फास्ट लैंडिंग कर सकते हो। तो हमारा जो पॉइंट नंबर 3 है वो ये है कि जब आपको सबसे फास्ट लैंडिंग करनी हो थोड़े करीब के एरिया पर, तो आप 750 मीटर्स की डिस्टेंस पर जंप करो। तो आप ऐसे अगर जंप करोगे तो आप सबसे फास्ट लैंडिंग कर पाओगे। तो अभी देखो मैं जंप कर रहा हूँ और देखो अभी एक स्क्वाड उतरेगी कितनी लेट। तो ये हमारा एक नमूना बंदर उतरा कूदते हुए, और ये देखो पूरी स्क्वाड इनकी कितनी लेट उतरी है, और मुझे कितनी किल्स मिल गए फास्ट लैंडिंग करने के बाद। अभी पर इनका एक बंदा बचा हुआ है, तो चलो उसको ज़रा ढूंढ कर पेलते हैं, फिर ये वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और ये बंदा तो बेचारा AFK है। और यहाँ पे शुरू होती है खतरनाक वाली कमेंट्री। तो अब ये बंदा भाग रहा है और क्राउसर उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो अब ये क्राउसर के पास कोई एमो नहीं बची और वो घूसे से उसको मारना चाह रहे हैं। वो बंदा बहुत ही फास्ट इधर उधर हो रहा है और क्राउसर ने सोचा कि ऊपर है, पर वो ऊपर नहीं आया, वो गया है नीचे। और क्राउसर को उसकी किली मिल चुकी है, पर ये बंदा बेचारा नूबड़ा बच्चा मर गया। तो चलो बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 4 की। तो पॉइंट नंबर 4 हमारा ये है कि 1600 मीटर्स वो मैक्सिमम दूरी है जो आप तय कर सकते हो पूरा अपना क्रॉस एयर जो भी होता है वो ऊपर कर कर, और आप सबसे फास्ट लैंडिंग कर पाओगे ऐसे कर कर 1600 मीटर्स की दूरी पर। तो हम अब बात कर लेते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब आप लोग जंप करते हो तो पैराशूट ओपन करने का ऑप्शन जब आ जाता है, जब मतलब इनेबल हो जाता है, तो अगर आप तब उस पर क्लिक कर दोगे तो आप मैक्सिमम 2700 मीटर्स की दूरी तय कर सकते हो, और ये जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और आप लोग ये चीज़ ज़रूर एक बार ट्राई करना, पर मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कार पकड़ कर जाओ यहाँ से, क्योंकि ये बहुत लेट हो जाता है यार ऐसे पहुँचने में। पर देखो मैं अभी प्रिजन पहुँच जाऊँगा, देखो कितनी दूर है वो, पर मैं ऐसे कर वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। तो आप लोग ये चीज़ ट्राई कर सकते हो, बस यही सब चीज़ थी भाई लोग। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक ज़रूर कर दो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाना भाई लोग, सब्सक्राइब कर दो बस, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मेरी कॉन्कर में कैसे पहुंचा वो वीडियो काफ़ी जल्दी आने वाली है, तो इसलिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, और मैं उसमें अपनी काफ़ी क्या सारी स्ट्रेटजीज बताऊंगा कि मैं क्या करता था जो मैं पहुंच गया। तो आप लोग भी पहुंच सकते हो काफ़ी आसानी से। तो चलो बस यही तब तक भाई लोग, यार वीडियो ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जो कि काफ़ी गजब की होने वाली है। तो बस चलो चलता हूँ यार, बाय बाय।